हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें आप वर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वर्क का मैंने पहला लेक्चर दे दिया था, आज हम इसके सेकंड लेक्चर पर चल रहे हैं जिसमें हम इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। The Earth's attraction on a particle varies inversely as the square of its distance from the center of Earth's center. A particle whose height on the surface of Earth is W falls to the surface of Earth from a height 5a above it. Show that the work done by Earth attraction is 5/6aw, where a is radius of Earth. तो पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारे पास उसने कहा है कि जो अर्थ की रेडियस है, ये मैंने अर्थ बनाई है और ये मैंने अर्थ का सेंटर लिया है, ये ओ इसका सेंटर है और इसकी रेडियस आपको दी हुई है ए। ए आपको इसकी क्या दी हुई है? रेडियस दी हुई है। उसने हमें ये कहा है कि जो कोई अर्थ की अट्रैक्शन है किसी पार्टिकल के ऊपर, वो वेरीज कर रही है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जो सेंटर ऑफ अर्थ है उससे जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के क्या करती है, वो वेरीज करती है। तो और आगे देखिए उसने क्या कहा है, कोई पार्टिकल है जिसकी हाइट जो है सरफेस के अर्थ से कितनी है, डब्ल्यू है, हुज हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज डब्ल्यू, फॉल्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम ए हाइट 5a, हुज वेट आएगा, सॉरी यहां पे हाइट नहीं, हुज वेट On the surface of Earth is W, falls to the surface of Earth from a height 5a above it. वो कह रहा है यहां पर कि कोई पार्टिकल जो इस अर्थ के सरफेस से 5a की हाइट पर कोई पॉइंट है, तो मैंने ये पॉइंट यहां लिया a, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है 5a, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है जहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया जाएगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो यानी यहां पर आकर गिरे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये हमारा के पॉइंट है। अब अगर आप देखा जाए तो सरफेस से जो ए का डिस्टेंस है वो 5a है, लेकिन अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है ओ से, यानी ओ ए जो है वो हमारा कितना बन जाएगा, वो 6a हो गया, क्योंकि ए हमारी ये डिस्टेंस है जो कि रेडियस है हमारे अर्थ की। उसके बाद देखिए, मैं सपोज करता हूं कि पी कोई पॉइंट है हमारा जो कितने डिस्टेंस पर है अर्थ से, अर्थ के सेंटर से, वो एक्स डिस्टेंस पर है। तो मैं सपोज करूंगा यहां पर, लेट लेट पी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मैंने ये सपोज कर लिया, जो ये पी पॉइंट है ये अर्थ से एक्स मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये हमें रूल दिया हुआ है, देखिए जो अर्थ की अट्रैक्शंस है पार्टिकल पर वो कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अर्थ सेंटर, फ्रॉम द सेंटर अर्थ सेंटर लिखना था, ये दो दो बार लिख दिया, ये भी फ्रॉम द अर्थ सेंटर, यानी कि जो P पॉइंट पर पोजीशन है पार्टिकल की, वो वहां पर अर्थ की जो अट्रैक्शन होगी, अर्थ की अट्रैक्शन किस पर है, अब P पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थ अट्रैक्शन एट P
पी वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो ये वेरी करेगी, ये प्रोपोर्शनल है किसके, जो P पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर के उसके इनवर्सली स्क्वायर के, यानी कि x स्क्वायर डिस्टेंस, क्योंकि x है और इनवर्स लेना है तो 1/x² के, यानी कि हम ये कह सकते हैं अर्थ अट्रैक्शन एट P इज इक्वल टू λ/x² ये हमारा, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है ए पार्टिकल का जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो उसका वेट है वो W है। ए पार्टिकल हुज वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज W, यानी कि ये अर्थ की अट्रैक्शन W है, जो अट्रैक्ट वेट जो है वही अर्थ के अट्रैक्शन का क्या करेगा, काम करेगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो W होगा इज इक्वल टू, वो कितना होगा, अर्थ की अट्रैक्शन W हो गई ना, वो कितना होगा λ/x² के हिसाब से देखा जाए तो λ/, यहां से देखिए x क्या चीज है, जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट का। अब यहां पर हम सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं और सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है आपका, a है। तो दैट्स वाई जो अर्थ की अट्रैक्शन होगी सरफेस के ऊपर कोई भी पार्टिकल होगा तो वो क्या होगी, λ/a² होगी। यानी कि यहां से अगर हम ये कहें तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर डब्ल्यू के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 अर्थ्स अट्रैक्शन एट पी इज इक्वल टू कितनी बन जाएगी आपकी, a स्क्वायर w बाय x स्क्वायर। ये मैंने सरफेस की टर्म में निकाल ली, यानी कि कोई पॉइंट अगर x मीटर के डिस्टेंस पर है किससे, सेंटर से, किसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, तो जो पार्टिकल के ऊपर इस पार्टिकल की ये प्रति जो अर्थ की अट्रैक्शन होगी, जो अर्थ की अट्रैक्शन होगी एट पार्टिकल p वो कितनी होगी, a स्क्वायर w बाय x स्क्वायर होगी। अब आप ये देखिए, मैं सपोज करता हूं कि हमारा पार्टिकल P से Q तक का डिस्टेंस कवर करता है और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, डेल एक्स है। तो वर्क डन जो होगा फ्रॉम P टू Q, वर्क डन फ्रॉम मूविंग टू P टू Q वो कितना होगा, कितना होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है वो किसकी टर्म में है, अट्रैक्शन की टर्म में है और वो कितना है हमारा, इतना है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, डेल एक्स है। तो आप देखिए इफ पी बी क्यू बी एनी पॉइंट क्लोज टू क्यू सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज डेल एक्स, देन वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम P टू Q वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि a² w/x² डेल एक्स विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां पर देखिए हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, P से Q यानी ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये मैंने फार्मूला आपको शुरू में लगाया था, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी अंडर द ग्रेविटी
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। आप देख भी सकते हैं वीडियो के स्टार्ट में वहां पर यह आपको बताया गया था। तो इसलिए हमारी जो P से Q तक मूव करने में जो वर्क हुआ है वो इतना हुआ है। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कितना होगा हमारा, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब हमें कहां से कहां तक का निकालना है वर्क डन, देखिए यहां से कहां तक का निकालना है, 6A से, देखिए यहां से यहां तक हमें पार्टिकल को ड्रॉप करना है, यहां से छोड़ना है और यहां गिरना चाहिए। तो यहां तक का जो डिस्टेंस है सेंटर की टर्म में वो कितना है, 6A है, और जहां गिरेगा वहां तक का डिस्टेंस कितना है, A है। तो यानी हमें कहां से कहां तक का निकालना है, 6A से A तक का निकालना है। तो टोटल वर्क डन जो होगा हमारा यहां पर देखिए तो कितना होगा, अगर मैं इसको रम कर दूं अब यहां पर, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 6A टू A, और किस क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी का, ए स्क्वायर डब्ल्यू वाई में एक्स स्क्वायर, और डेल एक्स क्या बन जाएगा, dx विद नेगेटिव साइन। अब यहां पर देखिए माइनस ए स्क्वायर डब्ल्यू जो आपका है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा आपका, 6A से A तक का 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का मीन्स x की पावर माइनस टू, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की माइनस वन बाई माइनस वन, यानी कि माइनस वन बाई एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स, और फ्रॉम 6A टू A, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर डब्ल्यू, ये बनेगा आपका माइनस वन बाई ए, ये लिमिट पुट करेंगे तो 1/6A, तो ये कितना बनेगा आपका, देखिए यहां पर माइनस 6A प्लस ए, ये आपका बन जाता है यहां पर ए स्क्वायर डब्ल्यू माइनस का, और माइनस का अगर मैं एलसीएम लूं तो आपका 6A एलसीएम आएगा, यहां पर 6A एलसीएम आने से यहां पर माइनस 6 और यहां पर प्लस 1 आएगा, यानी कि माइनस 5 आएगा आपका। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया 5/6AW, और यही हमें प्रूव करना था कि जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, 5/6AW होगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार और देखेंगे और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से, मैंने कहां पर क्या बात कही है। आप इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाया गया है जहां पर यह कहा गया है, अर्थ फ्रॉम ए सरफेस ऑफ अर्थ इज डब्ल्यू फॉल्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम ए हाइट के बाद इसको काट दिया गया है और यहां पर लिखा गया है इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ दी अर्थ, ये दिया हुआ है। तो आपको पता डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो यानी कि ये कितना दिया है हमें, 2a दे दिया है, कहने का मीन्स ये है 5a की जगह। तो जहां आपने 5a का यूज किया है उसकी जगह हमें किसका यूज करना है, 2a का यूज करना है। जब हम 2a का यूज करेंगे तो इट मींस यहां पर कितना आएगा हमारा, 3a आएगा। जब 5 था तो 6a आया था, और अब यहां पर कितना आएगा, 3a आएगा। 3a टू 2a करेंगे आप इस वाले पोर्शन में, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहां से ये ना आकर आपका ये आ जाएगा 2/3AW आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है सेम बिल्कुल, तो वो इस तरीके से भी दे सकता है या जो मैंने समझाया उस तरीके से भी, दूसरा तरीका भी सेम ही है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है, यहां पर आकर आप यहां पे 3a का यूज करोगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे, आपका आंसर 2/3AW ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसने यही कहा है हमें उस क्वेश्चन में, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़, देखिए नेक्स्ट हमारी थ्योरम है टू प्रूव दैट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटेंशन
एंड द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस. व्हाट डज ही मीन टू से. देखिए सपोज कीजिए, प्रूफ से ही आपको समझ आ जाएगा. पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि तब आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहा था इस थ्योरम के अंदर हमें. तो पहले मैं प्रूफ समझाता हूं आपको, उसके बाद मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा. कई बार स्टेटमेंट पहले समझानी होती है जिससे प्रूफ समझ आ जाए, कई बार प्रूफ समझाकर स्टेटमेंट जल्दी समझ आ जाती है. और हमें हमारा पर्पज दोनों बातें ही है कि स्टेटमेंट भी समझ आए और प्रूफ भी समझ आए. तो देखिए, तो कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो सपोज कीजिए ये ओ ए हमारी कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है. तो कोई भी इलास्टिक स्ट्रिंग अगर होती है तो आपको पता उसकी नेचुरल लेंथ होती है. ये हमने फर्स्ट सेक्शन में कर चुके हैं. तो मैं ये सपोज कर रहा हूं कि जो नेचुरल लेंथ है वो हमारी एल है. ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे भी साथ के साथ लेट लेटर ओ ए बी दी इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इज लैम्डा. और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका कितना है वो मैंने लैम्डा लिया है. ये आप समझ कर आए हैं पहले ही कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब आप समझते हैं पहले ही. मैं ये मानकर चल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हम फर्स्ट सेक्शन में सीख कर आते हैं. हाँ जी, अब देखिए सपोज कीजिए अब इलास्टिसिटी है यानी कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी का जो होगी प्रॉपर्टी होती है यानी उसको स्ट्रेच किया जा सकता है. तो सपोज कीजिए मैंने इसे स्ट्रेच किया यहां से यहां तक, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी, यानी कि जो एक्सटेंडेड लेंथ है मेरी वो क्या है एक्स है. तो हम यहां लिखेंगे एक्सटेंडेड लेंथ इज इक्वल टू एक्स, यानी इसको स्ट्रेच कर मैं ए से सी तक ले आया और वो लेंथ जितनी है मेरी कितनी है एक्स है. तो बाय हुक्स ला, बाय हुक्स ला जो टेंशन होगी हमारी टी, टेंशन इन दी इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितनी होगी लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ बाय में नेचुरल लेंथ. ये हुक्स ला में आपने पढ़ा है. तो ये हमारी इतनी होगी लैम्डा एक्स बाय एल. अब सपोज कीजिए कि मैं इसको सी से डी तक और स्ट्रेच कर देता हूं जहां पर जो डी है वो हमारा नियर बाय पॉइंट है. तो इस पॉइंट और ये डिस्टेंस को मैं कहता हूं ये कितना है हमारा डेल एक्स है. तो डेल एक्स, अब मैं अगर वर्क डन निकालना चाहूं कि स्ट्रेच करने में सी से डी पोजीशन तक स्ट्रेच करने में जो वर्क डन हुआ है तो वो कितना हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किसकी टर्म में है टेंशन की टर्म में है. टेंशन कितनी है इतनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है डेल एक्स है. तो हम यहां लिखेंगे लेट डी बी दी नेबरिंग पॉइंट टू सी सच दैट डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स. सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इलास्टिक स्ट्रिंग फ्रॉम सी टू डी विल बी इक्वल टू फोर्स लैम्डा एक्स बाय एल इंटू में डिस्प्लेसमेंट होगा. अब टोटल वर्क डन कितना हुआ यहां पर देखिए, टोटल वर्क डन जो निकालना है वो क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा एक्स बाय एल डी एक्स. और कहां से कहां तक होगा
जीरो से लेके एक्स तक, जहां पर जीरो हमारे ये नेचुरल लेंथ थी यहां तक, यानी यहां से हमने इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट पर। इनिशियल पॉइंट पर कितना है हमारा? जीरो। और फाइनल पॉइंट मान लीजिए सी है, तो वहां तक कितना डिस्टेंस हो गया? एक्स डिस्टेंस हो गया। तो वहां तक अगर निकालना चाहूं तो कितना बनेगा हमारा? जीरो टू एक्स बनेगा जो टोटल वर्क डन निकाला जाएगा, यानी कि एक्स तक स्ट्रेच करने में यानी ए से सी तक स्ट्रेच करने में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, वो इस फार्मूले से हम निकाल रहे हैं। तो वो कितना होगा? लैम्डा एल एक्स स्क्वायर वाई में टू होगा, और जब हम एक्स और जीरो पुट करेंगे तब भी ये यही रहना है, तो यानी कि हमारा इतना होगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा स्ट्रेच करने में ए से सी तक, वो कितना हुआ? लैम्डा बाय टू एल एक्स स्क्वायर हुआ। अब उसके बाद देखिए, अब आगे हम कब बढ़ते हैं, तो अगर एक्स वन और एक्स टू कोई दो पॉइंट है, अब सपोज कर लीजिए हम सपोज करते हैं कोई हम एक एक्स वन पॉइंट तक स्ट्रेच करना चाहते हैं और एक हम एक्स टू पॉइंट तक स्ट्रेच करना चाहते हैं। अब देखिए दोबारा से देखिए इसी फिगर को, मान लीजिए ये ओ ए है हमारी जिसकी नेचुरल लेंथ एल है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो एक्स वन है, और जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स टू है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर मैं बी पॉइंट तक निकालना चाहूं ए से बी तक स्ट्रेच करने में, जितना हमें क्या लगा है कि कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन जितना वर्क डन हुआ है कितना स्ट्रेच करने में, एक्स वन तक स्ट्रेच करने में, और एक्स टू स्ट्रेच करने में जितना वर्क डन हुआ है, तो वो मैं निकालना चाहता हूं। तो अब यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे हम, वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग लेंथ एक्स वन, जो एक्स वन की लेंथ स्ट्रेच करने में कितना वर्क हुआ वो इस फार्मूले से फ्रॉम इक्वेशन वन। ये एक्स की हमने जर्नल का निकाल लिया, जर्नल मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था एक्स। अब यहां पर देखिए कितना होगा, लैम्डा बाय टू एल और एक्स वन का स्क्वायर होगा। सिमिलरली जो वर्क डन होगा स्ट्रेचिंग लेंथ एक्स टू तक स्ट्रेच करने में कितना काम हुआ, तो वो कितना होगा, लैम्डा बाय टू एल और एक्स टू स्क्वायर। और अगर इसी फार्मूले से अब अगर मैं ये पूछूं कि एक्स वन से एक्स टू तक जाने में कितना काम हुआ, एक्स वन से एक्स टू तक जाने में कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन फ्रॉम स्ट्रेचिंग एक्स वन टू एक्स टू विल बी इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं कितना होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि लैम्डा बाय टू एल और हमारा कितना आएगा, लैम्डा बाय टू एल एक्स टू स्क्वायर माइनस लैम्डा बाय टू एल एक्स वन का स्क्वायर। यहां पर लैम्डा बाय आपका लैम्डा बाय टू एल कॉमन है और अंदर बचेगा एक्स टू की स्क्वायर माइनस एक्स वन की स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, अब मैं ये रब कर रहा हूं तो देखिए तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाया है करने के लिए, तो यहां से दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय टू एल एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स टू प्लस एक्स वन, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको इसके साथ ले जा रहा हूं मैं, तो वन बाय टू को बाहर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स टू बाय टू प्लस लैम्डा एक्स वन बाय में टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हुआ हमारा, देखिए एक्स टू ये वाला डिस्टेंस है और एक्स वन ये वाला डिस्टेंस है, तो ये क्या हुई हमारी एक्सटेंशन हुई, और ये क्या हुई, ये देखिए इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर का क्या हुआ, देखिए
जो टेंशन है हमारी x1 पोजीशन पर जो टेंशन बनेगी, देखिए x पोजीशन पर टेंशन निकालने का फॉर्मूला लैम्डा x बाई एल, तो x1 पोजीशन पर जो हमारी टेंशन हुई वो कितनी हुई, लैम्डा x1 बाई एल, और जो x2 पोजीशन पॉइंट पर जो हमारी टेंशन हुई वो कितनी हुई, लैम्डा x2 बाई एल इस फार्मूले से, और इन दोनों को प्लस करके मैं बाय टू कर दूं तो ये क्या हो गया, इन दोनों पोजीशंस का मीन, तो ये क्या है, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस, और यही हमें प्रूव करना था। अब आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ आएगा, देखिए ये मैंने x1 स्ट्रेच किया और x2 स्ट्रेच कितना किया, ये सॉरी मैं यहां पे बताना भूल गया आपको, x2 स्ट्रेच यहां से करेंगे तो ये x2 होगा, और ये जो ये डिस्टेंस बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है काम करते हुए, तो ये जो क्योंकि स्ट्रेच तो यहीं से हो रहा है ना, एक बार हमने x1 स्ट्रेच किया और एक बार हमने x2 स्ट्रेच किया, वो मेजरमेंट यहीं से होगा ए पॉइंट से, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो क्या कहना चाह रहा था, देखिए वो ये कहना चाह रहा था कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी इलास्टिक स्ट्रिंग है तो उसमें उसको स्ट्रेच करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेच करने में जो वर्क होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटेंशन, जो उनकी एक्सटेंशन हुई है, एक्सटेंशन कितनी हुई देखिए, x2 माइनस x1, ये एक्सटेंशन हुई ना, एक बार x1 स्ट्रेच किया एक बार x2 स्ट्रेच किया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया x1 से लेके x2 तक कितना स्ट्रेच हुआ, x2 माइनस x1, तो ये हमारी एक्सटेंशन इनटू में, और किसके इक्वल होता है, जो मीन होगा इनिशियल एंड फाइनल टेंशन का, यानी जो इनिशियल पॉइंट पर टेंशन होगी और जो फाइनल पॉइंट पर टेंशन होगी उन दोनों का मीन। तो x1 पर देखिए जो टेंशन हुई और जो x2 पर टेंशन हुई, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू किया, यानी कि वही दोनों का क्या आया, मीन आया, यानी कि इस पोजिशन पर जो टेंशन है और इस पोजीशन पर जो टेंशन है उन दोनों का मीन, और इनटू में किसके, जो इतनी एक्सटेंशन हुई है उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हमारा वर्क डन होता है, ये हमें प्रूव करना था और यही हमने यहां पर प्रूव किया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो आप इसको भी एक बार दोबारा से सुन सकते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज मीन टू से इन दिस थ्योरम, कि इस थ्योरम में क्या वो कहना चाह रहा है, कि वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो स्ट्रेच होने में जितना वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, जितनी एक्सटेंशन है, और जितनी एक पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर टेंशन है उन दोनों की मीन और एक्सटेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल वर्क डन होता है हमारा, तो ये हमें यहां पर प्रूव करना था। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये इसी थ्योरम पर बेस्ड है, एक्चुअल में इसमें ये थ्योरम ही हमें करनी है। तो देखिए उसने कहा है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल नोट, तो ये सपोज कीजिए ओ ए जो आपकी स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल नोट है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो लैम्डा है, तो यहां पर ये सारा सेम लिखा जाएगा, यहां एल नोट आ जाएगा। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि उसको अगर हम एल लेंथ तक स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, यानी कि यहां से मापा गया है तो यहां से यहां तक, तो नेचुरल लेंथ इसको स्ट्रेच मैंने किया तो यहां तक किया, तो जो ये लेंथ है ये आपको दी हुई है, ये कितनी है, एल है, और ये हम क्या मानकर चलते थे, यहां पर एक्स मानकर चल लेते हैं, ये x है, तो अगर आप x निकालना चाहे यहां से तो x देखिए कितना होगा, इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दीजिए तो वो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कितनी आ जाएगी, l माइनस l नोट आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया, एक्सटेंडेड लेंथ आपने x मानी, हुक्सला से ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा x बाय l नोट, तो बाकी सारा काम बिल्कुल हम सेम करते रहेंगे, सब जगह एल नोट चलता रहेगा और लास्ट में जाकर लैम्डा टू एल नोट और एक्स की अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितनी है, एल माइनस एल नोट की स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैंने इसका प्रूफ आपको रब नहीं किया था, इसी में आपको आगे क्वेश्चन करवा दिया। जल्दी
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी उसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है कि हमें वर्क डन प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम एक इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं जिसकी नेचुरल लेंथ एल है और मॉडुलस लैम्डा है फ्रॉम टेंशन टी वन टू टेंशन टी टू, यानी कि अलग अलग टेंशन है, इट मीन्स ये हुआ कि वो अलग अलग पॉइंट है जहां पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो नेचुरल लेंथ है वो अलग अलग वे से जो है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो प्रूव करके दिखाना है कि वो इतनी है। बात एक ही है, अब ये टेंशन के टर्म में प्रूव करके दिखानी है। तो समझिए, देखिए ये ओ ए हमारी नेचुरल लेंथ है, ये एल आपको गिवन है, ये मैंने सपोज किया ये बी ए से बी पॉइंट तक जब मैं स्ट्रेच करता हूं तो ये लेंथ जो मेरी है ये कितनी है, एल वन है, और मैं ए से अगर सी पॉइंट तक स्ट्रेच करता हूं तो यानी यहां से लेके यहां तक ये मेरी कितनी है, एल टू है। तो B पॉइंट पर जो मेरी टेंशन है मैं सपोज कर लेता हूं वो T1 है और C पॉइंट पर जो टेंशन है वो T2 है, यानी कि जब मैं A से B तक स्ट्रेच करता हूं वो वाला जो केस है उस केस में जो टेंशन है वो T1 है और जब मैं A से C तक स्ट्रेच करता हूं उस केस में जो टेंशन है वो कितनी है, हमारी T2 है। तो अब ये देखिए जो BC होगी एक्सटेंडेड लेंथ होगी हमारी फ्रॉम बी पॉइंट से सी तक अगर स्ट्रेच किया है तो वो कितनी बनेगी आपकी, एल टू माइनस एल वन बनेगी। अब देखिए, अब बाय हुक्स ला, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं बाय हुक्स ला, जो टी वन टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा। टी वन टेंशन ऑटोमेटिकली क्लियर अभी इस केस के लिए है जब हमारी एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, एल वन है, तो यानी कि T1 L1 पाई में नेचुरल लेंथ कितनी है, L है। और जो T2 होगी हमारी, यानी इस केस की बात कर रहा हूं जब हमने A से C तक स्ट्रेच किया है और जो एक्सटेंडेड लेंथ है हमारी L2 है, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा L2 पाई में L हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़कर आए हैं वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, एक्सटेंशन इनटू में मीन ऑफ टेंशंस। अभी हमने जो थ्योरम की थी उसी थ्योरम से देखिए, अब एक्सटेंशन कितनी हुई है, यानी कि एक केस से दूसरे केस में जाने के लिए, तो जो एक्सटेंशन हुई है वो कितनी हुई है हमारी, L2 माइनस L1 हुई है। और जो टेंशन है, अब आप यहां पर देखिए जो टेंशन है हमारी, मीन ऑफ जो टेंशन होगा वो क्या होगा, यानी टी वन प्लस टी टू और बाई में टू, यानी यहां पर वन बाई टू। अब हमें आंसर की चीज में लेके आना है, देखिए टी वन और टी टू में लेके आना और एल में लेके आना है, तो यानी कि हमें एल वन और एल टू को हटाना है, ये चीजें हमें सोचनी होती है। तो अब यहां से देखिए एल टू की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, अगर मैं यहां से एल टू की वैल्यू निकालता हूं तो वो देखिए कितनी आ जाएगी आपकी, टी टू एल बाई में लैम्डा आ जाएगी। और यहां से मैं अगर एल वन की वैल्यू निकालता हूं तो वो कितनी आ जाएगी, टी वन एल बाई लैम्डा आ जाएगी, और ये वन बाय टू टी वन प्लस टी टू, यहां से एल बाई लैम्डा आपका कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा टी टू माइनस टी वन, ये वन बाय टू भी यहां से मल्टीप्लाई होके ये ऐसे लग जाएगा और ये टी वन प्लस टी टू, और ये आपका बन गया एल बाय टू लैम्डा टी टू की स्क्वेयर माइनस टी वन की स्क्वेयर, क्योंकि इसे तो टी टू प्लस टी वन भी लिख सकते हैं आप, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल से हैं, तो एक ही थ्योरम के ऊपर ये बेस्ड चल रहे हैं, वहीं से बार बार इसी चीज पर आपने फोकस करना है कि वो क्या आपको कहना चाह रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब इन कंसेप्ट को एक बार सुन लेंगे, एक बार अपने आप करेंगे, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वो व्हाट ही वांट्स टू से। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। वो कह रहा है कि ये स्पाइडर हैंग्स फ्रॉम दी सीलिंग, सीलिंग में छत से कोई मकड़ी समझ लीजिए कि मकड़ी जो है वो हैंग कर रही है बाय अ थ्रेड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू इट्स वेट, जिस एक थ्रेड से जिससे वो लटकी हुई है, जो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्पाइडर के वेट के इक्वल है।
तो शो करके दिखाइए, इट कैन क्लिंब टू दी सीलिंग विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। तो वो जो है वो सीलिंग तक दोबारा चढ़ेगी, चढ़ने में जो वर्क का एक्सपेंडिचर होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 3/4 ऑफ व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड इफ दी थ्रेड वर इन इलास्टिक। कि अगर वो थ्रेड इन इलास्टिक होती, इलास्टिक की ना होती, तो जो काम उस समय उसे करना होता उसका 3/4 में वो काम कर चढ़ जाएगी अगर हमारी जो थ्रेड है वो इलास्टिक है। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर दोबारा समझिएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको। सपोज कीजिए कि ये आपकी सीलिंग है, ये हमारी सीलिंग है हमने सपोज किया, और यहां पर कोई, ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, थ्रेड है, और यहां पर वो जो मकड़ी है वो यहां पर क्या है, हैंग कर रही है इस जगह पर। इस जगह पर वो मकड़ी क्या कर रही है, हैंग कर रही है। ए स्पाइडर हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय ए थ्रेड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू इट्स वेट। तो देखिए, लेट, मैं सपोज कर लेता हूं, लेट एल बी दी नेचुरल लेंथ ऑफ थ्रेड एंड लैम्डा बी दी मॉडुलस, और लैम्डा क्या है हमारा, मॉडुलस है। इन केस व्हेन थ्रेड इज इलास्टिक, जब हमारा जो थ्रेड है वो इलास्टिक है, उस केस में मैं बात कर रहा हूं कि एल नेचुरल लेंथ है और जो थ्रेड की और जो लैम्डा है वो मॉडुलस है इलास्टिसिटी का, लैम्डा ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ व्हेन थ्रेड इज इलास्टिक। ठीक है, तो अब देखिए, जब इलास्टिक का है तो ये तो उसकी नेचुरल लेंथ मैंने सपोज की, ये नेचुरल लेंथ एल है, और ये मैंने सपोज की कि ये जो एक्सटेंड हो गई इसके लटकने की वजह से, थ्रेड के लटकने की वजह से, तो इलास्टिक होने की वजह से वो दोबारा और नीचे लटक गई, तो यहां पर जो ये एक्सटेंडेड लेंथ है ये मैंने सपोज की हमारी कितनी है, ए है। तो ये ए है और ये हमारी एल है, तो स्पाइडर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ चुका है। तो ये हम केस कर रहे हैं जब हमारी जो स्ट्रिंग है, जो धागा है जिससे वो लटक रहा है, जिससे हैंग कर रहा है जो थ्रेड है, वो क्या है हमारा, इलास्टिक है। तो बाय हुक्स ला देखिए आप, बाय हुक्स ला जो टेंशन होगी थ्रेड के अंदर, जो टेंशन होगी थ्रेड के अंदर वो कितनी होगी, लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ, यानी कि मींस ए और बाय में, ए बाय में यानी कि एल नेचुरल लेंथ। लेकिन आपके बुक वाले ने ए जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ को नहीं लिया है, उसने इस पूरी लेंथ को एल लिया है, ए लिया है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ बनी है स्ट्रेच होने के बाद, और जो नेचुरल लेंथ है उनको मिलाकर जो लेंथ बनी है वो कितनी है हमारी, ए ली हुई है उसने। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो जो ये लेंथ है एक्सटेंडेड लेंथ ये कितनी आ जाएगी, ए माइनस एल आ जाएगी। तो अब देखिए यहां से, ये तो हुक्स लॉ से लैम्डा ए माइनस एल बाय क्या आ जाएगा हमारा, एल आ जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ। अब यहां पर देखिए, जब वो जो हमारा स्पाइडर है वो इससे हैंग कर रहा है, तो यानी कि यहां पर हमारी जो है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रही है, यानी कि जो स्पाइडर का वेट है और जो टेंशन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इट मींस ये हुआ। तो यहां पर एज दी केस ऑफ इक्विलिब्रियम अराइजेस, देयरफॉर जो टेंशन होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी, वो हमारी इक्वल होगी किसके, वेट ऑफ दी स्पाइडर के। और जो वेट ऑफ स्पाइडर होगा यहां पर वो कितना होगा, जो उसका स्पाइडर का मास होगा और जो ग्रेविटी काम कर रही है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी के, तो यहां पे ये एमजी के इक्वल होगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम वन एंड टू वी हैव एम जी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो लैम्डा ए माइनस एल बाय एल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एक्चुअल में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंडेड लेंथ आई है, यानी कि ये लेंथ रिडक्ट, यहां पर तो नेचुरल लेंथ थी और इलास्टिसिटी की वजह से, एलिमेंट की वजह से वो थोड़ा और ज्यादा नीचे लटक गया, तो लेंथ जो है टोटल ए बन गई। तो वो ए कितना है पहले हम ये निकालना चाह रहे हैं एक्चुअल में। तो ए की वैल्यू देखे कैसे निकलेगी, उसके लिए यहां पर ये एम जी, यहां पर लैम्डा भी एम जी है आपका, क्यों है ये आपको गीवन है, गीवन कहां गीवन है देखिए यहां पर गीवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इक्वल है किसके, उसके वेट के, तो यहां पर वेट के इक्वल है हमारा। तो ये देखिए वेट के इक्वल है, तो इसलिए ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने वेट के इक्वल रखा। ये एम जी से एम जी कैंसल, यहां पर वन बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू ए माइनस एल आएगा। दिस इंप्लाइज ए जो है आपका कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा, यानी कि ये जो लेंथ है आपकी A वो कितनी है, 2L है, यानी कि L नेचुरल लेंथ थी थ्रेड की, और जब लटकने की वजह से, वेट की वजह से जो लेंथ बड़ी है, एक्सटेंड हुई है, वो भी कितनी हुई है हमारी, L एक्सटेंड हुई है, यानी कि टोटल लेंथ हमारी जो है वो 2L हो चुकी है। अब हमें देखिए वर्क डन निकालना है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि सो दैट इट कैन क्लिंब टू द सीलिंग विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क इक्वल टू ओनली 3/4 ऑफ व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड इफ द थ्रेड वर इन इलास्टिक, कि अगर हमारा जो थ्रेड है इन इलास्टिक हो। अब हमारी पोजीशन क्या है, अब आप सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारा थ्रेड इन इलास्टिक है, तो यहां से यहां तक में जाने में जो से वो टाइम लगेगा, या उसको आने में जो टाइम लगा वो कितना होगा, वो कितना होगा आप जानते हैं कितना होगा, एम जी एच, आप पढ़कर आए हैं इसको, अब वापस जाना है यहां से यहां तक, तो एम जी एच, एच कितना है, 2L है। तो इफ द स्ट्रिंग इज इन इलास्टिक देन द वर्क डन इन क्लिंबिंग दिस, इन क्लिंबिंग टू द सीलिंग इक्वल टू किसके होगा, एम इंटू जी इंटू में 2LK, यानी कि 2MGLK। तो देखिए अब यहां पर, अब आप यहां पर देखिए कि यहां इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में अगर उसे वापस चढ़कर जाना है तो कितना वर्क होगा, तो कितना वर्क हुआ, कितना वर्क उसने किया, कितना वर्क वो करेगा, कितने वर्क का एक्सपेंडिचर होगा। तो वर्क डन देखिए अब, नाउ इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, तो पहले देखिए वर्क डन जो हुआ वो स्ट्रेच होने में कितना हुआ। तो नाउ इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ थ्रेड, स्ट्रेच यानी कि एक पोजीशन से इस पोजीशन तक जो स्ट्रेच होने में वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, अभी जो हमने शुरू में थ्योरम की थी उसी का यूज करके हम बता रहे हैं, जितनी एक्सटेंशन इनटू में क्या चीज आएगा आपका, एक्सटेंशन जितनी हुई है और इनटू में क्या आएगा आपकी, मीन ऑफ टेंशंस एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए एक्सटेंशन कितनी हुई है, ये एक्सटेंशन हुई है आपकी, कितनी है, ए माइनस एल, ए कितना है, 2L है, 2L में से L माइनस करेंगे मींस L, तो एक्सटेंशन तो आपकी L हुई है। अब मीन निकालना है टेंशन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर एक्सटेंशन कितनी है, या तो कोई एक्सटेंशन ही नहीं है यानी कि जीरो एक्सटेंशन है, प्लस इस पॉइंट पर कितनी एक्सटेंशन है, अभी आपने हमने लिखी थी एक्सटेंशन जो बनी थी हमारी, तो वो कितनी बनेगी, लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ कितनी बनी हमारी, एल बनी है, और वाई में टोटल लेंथ, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ कितनी है हमारी,
वो भी एल है और इन दोनों का मीन यानी कि 1/2, यानी कि यहां पर मैं ये कर सकता हूं वाई में 2l, ये हम कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आप यहां पर कि अगर हमारा जो केस होता इन इलास्टिक स्ट्रिंग का, इन केस ऑफ इन इलास्टिक स्ट्रिंग, तो जो वर्क डन होता, तो वर्क डन जो होता वो कितना होता, एम जी एच होता सिंपल। तो एम जी मास इनटू ग्रेविटी, और हाइट, हाइट कितनी है हमारी ये ए, यानी कि 2l, यानी कि 2mgl होता। अब आप ये देखिए कि एक्चुअल जो वर्क हुआ है, जो एक्चुअल वर्क किया है वो कितना हुआ है इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में, यानी कि जो यहां वर्क हुआ है और जो टोटल वर्क हुआ है। टोटल वर्क के लिए तो हम इसको क्या मानना पड़ेगा, इन इलास्टिक वाला ही केस मानना पड़ेगा। तो टोटल में से इतने को अगर माइनस कर दे जो यहां वर्क हुआ है, तो वो इलास्टिक केस का वर्क आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, तो वो कितना हुआ देखिए आपका, वो कितना होगा, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना है 2mgl माइनस जितना इसको स्ट्रेच होने में वर्क हुआ। जो ये तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो गया ना, या तो उसने काम किया ही नहीं कुछ भी कहने का मीन से, तो ऑटोमेटिकली वर्क हुआ। जो स्पाइडर वर्क करेगा वो तो वो यहां से यहां तक जाने में वर्क करेगा, वो वर्क होगा ना इलास्टिक के केस में। तो ये आपने समझना है। तो 2mgl माइनस में जो यहां पर ये वर्क हुआ था यहां से यहां तक, वो कितना हुआ था 1/2 mgl हुआ था। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये 3/2 mgl आपका आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 mgl को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं अगर ये ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा देखिए 3/4 2mgl। 2mgl क्या चीज है, वो वर्क है जो किस केस में होता है, जो इलास्टिक के केस में होता है। तो इलास्टिक के इन इलास्टिक के केस में होता है। तो जो इलास्टिक के केस में वर्क हो रहा है यानी कि इतना, वो क्या है, वो 3/4 पार्ट है किसका, जो हमारा इन इलास्टिक के केस में वर्क हो रहा है उसका। तो यही हमें यहां पर प्रूव करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको एक दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको मोर क्लियरली समझ आएगा कि यहां पर क्या हम प्रूव करना चाह रहे थे। हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि इलास्टिक केस में जितना वर्क होगा और जो इन इलास्टिक के केस में जो वर्क होगा स्पाइडर के द्वारा छत तक वापस पहुंचने में, वो जो होगा वो 3/4 की रेशो में होगा। ये कहने का मीन्स उसका था। तो यहां से हमें इस तरीके से करना है।